जहांगीर जो आ रहे थे यहाँ पे, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे ये हमाम खाना बनवाया गया था। राजा ग्रह वो ऑक्टागोनल रूम है ये, और प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब लाइटिंग प्रॉपर आ सके, यहाँ पे उजाला हो सके। अभी हम जा रहे हैं राय प्रवीण महल, जस्ट उसी के सामने देख सकते हैं आप। स्मारक है जिसका उपयोग राजवंश के सदस्यों द्वारा किले में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए किया जाता था। ये शिव मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है, जिस तरीके से इसका देख रेख नहीं किया गया है उस हिसाब से ये बाहर की तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो गोबर थापने लगे, कंडे थाप रहे हैं लोग, भाई रहने का जगह बन गई, ऐसा कुछ बचा नहीं है इसमें। मतलब डोम शेप्ड में चारों तरफ डोम बने हुए हैं इसके, बाकी सब जैसा है, मतलब जैसा और कुछ मिले जैसे मंदिर वगैरह ऐसे कुछ खंडर पड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग ऐसा। तो अभी हम आ चुके हैं हमाम खाना में, जो कि जहांगीर जो आ रहे थे यहाँ पे, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे ये हमाम खाना बनवाया गया था राजा वीर सिंह द्वारा। 1606 ईस्वी में बनवाया गया था ये हमाम खाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कमरे बने हुए हैं कुल मिला के, और 2 साइड में कमरे बने हुए हैं जो कि ताला लगा हुआ है, और बीच में एक ऑक्टागोनल रूम बना हुआ है, और प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पे, अंदर लाइट आ सके, जिसकी वजह से देखिए चल के बताता हूँ मैं आपको। तो इन दोनों रूम में ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से भी रास्ता दिया गया है, और कुछ इस प्रकार का हालत हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब भैंस गाय वगैरह बनती हैं ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, काफ़ी गंदगी है अंदर की तरफ। और ये देखिए, ये जो रूम आप देख रहे हैं वो ऑक्टागोनल रूम है ये, और प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब लाइटिंग प्रॉपर आ सके, यहाँ पे उजाला हो सके और हवा भी आ सके, इस वजह से ये वेंटिलेशन लगाया गया है यहाँ पे, देख मतलब बनाया गया है, कुछ इस प्रकार का इसका हालत हो रहा है। अभी हमाम खाने का हमने विज़िट कर लिया है, तो ऐसा कुछ खास नहीं था, मैंने बता दिया उसके बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं राय प्रवीण महल, जस्ट उसी के सामने देख सकते हैं आप लोग। ये हमाम खाना है, और ये शाही दरवाज़ा बना हुआ है देख सकते हैं आप लोग, और उसी के जस्ट आप एंटर होंगे तो वहाँ से सीधे ही आपको जस्ट सामने ही मिल जाएगा राय प्रवीण महल। इस तरफ तो ताला लगा हुआ है, अंदर जाके देखते हैं दूसरी तरफ से ही शायद इस तरफ से रास्ता हो। कुछ खंडर सा पड़ा हुआ है, और पत्थर वत्थर डले हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पर। राजा इंद्रजीत की प्रेमिका राय प्रवीण एक सुंदर कवियत्री और नृत्यकी थी। उनके सुंदरता और प्रतिमा के किस्से मुगल दरबार में पहुंचने पर बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। ना तो वे अपने प्यारे ओरछा को छोड़ना चाहती थी, और ना ही राजा इंद्रजीत उन्हें भेजना चाहते थे, लेकिन दरबार में हाजिर ना होने पर अकबर ने उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की धमकी दी। इस दंड को चुकाने में असमर्थ राय प्रवीण को अकबर के दरबार में जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने अपनी मोहकता और कविकता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने मोहित होकर अपना हरम का हिस्सा बनाना चाहा। इस पर राय प्रवीण ने कहा कि केवल एक नौकर, कौआ और कुत्ता ही वह भोजन खाता है जो पहले से ही किसी और ने चखा हो। आखिरकार वे राजा इंद्रजीत की प्रेमिका थी। अकबर एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, और उन्होंने राय प्रवीण के साहस और आत्मविश्वास की सराहना की, उन्हें तुरंत कीमती उपहार दिए और सकुशल ओरछा लौटने की व्यवस्था की। उसके बाद राजा इंद्रजीत ने यह महल उनके लिए बनवाया, और वे हमेशा यहीं रहीं। अंदर की तरफ बना बड़ा सा फूलों का बगीचा के आप आनंद ले सकते हैं। शाही दरवाज़ा एक ऐसा शानदार विशाल स्मारक है जिसका उपयोग राजवंश के सदस्यों द्वारा किले में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए किया जाता था। यह 1-2 मंजिला विशाल द्वार है, जिसकी गुंबददार छत 2 भव्य नुकीले मेहराबों पर टिकी हुई है। यह जहांगीर महल, राजमहल और राय प्रवीण महल के पास स्थित है। तो शाही दरवाजे के जस्ट सामने ही आपको ये देखने को मिलेगा 3 दासियों का महल, शिव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधिका बिहारी मंदिर, वनवासी मंदिर। तो यहाँ से जाने का कुछ इस प्रकार का रास्ता है, देख सकते हैं शाही दरवाजे के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ से 3-5 चीज़ें आप जा सकते हैं वहाँ तक के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, शिव मंदिर है यहाँ पे, देख सकते हैं ये हवन बना हुआ है, और ये हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पर, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये मेन मंदिर है देख सकते हैं आप लोग। तो भी हम आ चुके हैं शिव टेंपल पर, यहाँ पर एक और शिव मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं पुराना शिव मंदिर। तो देख सकते हैं इस प्रकार का कोई मंदिर है, शिव मंदिर ओरछा। राय प्रवीण महल के उत्तर में दुर्ग परिसर में स्थित यह मंदिर शैलीगत आधार पर 17वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुआ। तल योजना में गर्भगृह एवं मंडप है। मंदिर के ऊर्ध्व विन्यास में पंचरथी, वेदीबंध व जंगा तथा नगर शैली का शिखर है। मूलतः मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन शिवलिंग एवं अन्य मूर्तियाँ राम राजा मंदिर में स्थानांतरित की गई हैं।
भाई ये मंदिर तो कुछ हॉरर टाइप का लग रहा है, देखिए पीछे की तरफ, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो काफ़ी लोग कोई आता ही नहीं है। और देखिए ये कुछ इसमें लिखा भी था वो भी कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, और पेड़ पौधे इस तरीके से हो गए हैं, मतलब हॉरर टाइप में दिखाई पड़ रहा है ये। पर है ये शिव मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है, जिस तरीके से इसका देख रेख नहीं किया गया है उस हिसाब से देख सकते हैं ये कुछ। तो भाई ये कुछ इस प्रकार का है, इसमें से जो भी मूर्तियां थी और इमेजेस थे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं राम राजा मंदिर में, तो उसमें जो लिखा हुआ था सही बात है। तो इसमें ऐसा कुछ मंदिर में है नहीं कुछ खास देखने को, तो आगे की ओर चलते हैं। और भी मंदिर हैं यहाँ पे, और तीन दासियों का महल है ऐसी कुछ है, तो आगे की ओर चलते हैं और बताते हैं आपको। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। तो अभी हम आ चुके हैं पंचमुखी महादेव मंदिर की तरफ, और ये मंदिर है देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार कुछ मंदिर बना हुआ है पंचमुखी महादेव मंदिर, और काफ़ी गंदगी है बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं मंदिर के, देखते हैं कैसा क्या माहौल है अंदर का। भाई ये तो पूरा खंडर सा हो रहा है, कुछ इस तरीके का हाल हो रहा है इसका। शटर भी भाई खुल जा सिम सिम। ओ भाई भाई इसमें तो फंस गया, फंस गया भाई, भाई इसकी तो बुरी हालत हो रही है मंदिर की, देखिए मतलब मंदिर जैसा कुछ लग नहीं रहा है, बस इमारत खड़ी हुई है मंदिर का, मंदिर खड़ा हुआ है बस, और कुछ ऐसा खास नहीं है। देखिए यहाँ पर तो गोबर थापने लगे, कंडे थाप रहे हैं लोग, भाई रहने का जगह बन गई, ऐसा कुछ बचा नहीं है इसमें। ये देखिए ताला लगा हुआ है अंदर, और अंदर ये भैंस बंधी हुई है, पूरा बंद बचा है, भैंस वगैरह बंधी हुई है अंदर, और ताला डाला हुआ है, रहने के लोग यूज कर रहे हैं रहने के लिए इसको। तो भाई काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली यज्ञशाला में आ गए हैं, ढूंढते ढूंढते मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब डायरेक्शन बने नहीं हुए प्रॉपर कि कहाँ पे क्या है ढंग से प्रॉपर लिखा नहीं हुआ, दूर दूर बने हुए कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर हर चीज़ बनी हुई है, जैसे कि यज्ञशाला और उससे पहले शिव मंदिर था 1 किलोमीटर पहले, तो ये यज्ञशाला बनी हुई। गेट देखते हैं कहाँ से है, और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है गर्मी में, भाई गर्मी में इतनी मेहनत करने लगी है, कहाँ घूम रहे हैं हम, अच्छे अभी घर पर होते कूलर में सो रहे होते अभी। भाई आ चुके हैं हम, वाह ये बेतवा नदी के पास आ चुके हैं हम, तो यज्ञशाला का गेट तो मिला नहीं, हम यहाँ पे नदी की साइड आ गए थे पर यज्ञशाला का कहीं भी गेट नहीं मिला, और ये दीवार सी तो बनी हुई है पर पता नहीं ऊपर से होगा कोई खेत वगैरह से रास्ता नहीं था, पर ये नज़ारों के मज़े लीजिए। तो उस तरफ से आने के बाद यहाँ से पीछे मतलब इधर से गेट मिल गया है हमको यज्ञशाला का, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में, ये एक वर्गाकार प्रकार की मध्य वर्गाकार स्मारक है जो कि चारों ओर एक मतलब डोम शेप्ड में चारों तरफ डोम बने हुए हैं इसके, और अंदर गणेश जी, कार्तिकेय, हनुमान, शिव और नंदी के मतलब ऐसे कुछ फिगर्स बने हुए हैं, और अंदर की तरफ देखते हैं जो कि 1700 शताब्दी में बना हुआ नज़र आता है। चलिए अंदर देखते हैं, वही अंदर भी इसमें कुछ बाकी सब जैसा है मतलब जैसा और कुछ मिले जैसे मंदिर वगैरह ऐसे कुछ खंडर पड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ इसमें है नहीं है दिखाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अंदर की तरफ। दोस्तों और अच्छा फोर्ट का विजिट कर लिया है, और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, तो आगे देखते हुए नहाते हैं नदी में, तो नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा देखने को। तो वीडियो की लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और हमको इंस्टाग्राम पर कॉमन ब्लॉग के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर आपको फॉलो कर लें मेरे को, और फेसबुक पर भी कॉमन ब्लॉग के नाम से है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मुझे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।